सो हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद पीकेबी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में यार फिर से हम उसी इम्पोर्टेंट सीरीज को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वीडियोस नहीं देखे उनको बता देता हूँ, हमने इसी चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रखी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिक्स ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस आपको इन वीडियोस के थ्रू मैं कवर करवाता हूँ, ठीक है भाई। और 10-12 मिनट की वीडियो रहती है। जिन्होंने भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, नहीं कर रखी, सभी इन वीडियोस को देखा करो। आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं आते हैं तो आपको आने लग जाएंगे। जरूर देखा करो यार, 10-12 मिनट तो आप डेली निकाल ही सकते हो। और डेली एक ही वीडियो आती है, ज्यादा हम वीडियोस नहीं डालते हैं। और ये नेवर एंडिंग सीरीज है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये चलती रहेगी, ठीक है भाई। हो सकता है बीच में एक आधा दिन मिस हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ डेली आपके लिए वीडियो चलाने के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं यार सीधा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो काफी सारी वीडियोस, फर्स्ट चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर भी आधे से ज्यादा हम कर चुके हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिटिक एसिड के अंदर मिलाते हैं तो गैस इवॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। जो गैस इवॉल्व होती है उसके लिए कौन सी नीचे चार स्टेटमेंट दी गई उनमें से ट्रू है। तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लेंडर। इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर रहेगा, समझ रहे, ठीक है भाई। तो इसके लिए जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू, फोर्थ ऑप्शन या फिर फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि पंजेंट ऑर्डर नहीं होता है, बाकी ऊपर वाले तीन ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से चलते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके, टूथ डीके को बचाने के लिए वी एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। हमें बोला जाता है कि यार रेगुलरली हमें टीथ जो होते हैं दांतों को ब्रश करना चाहिए टूथ डीके को बचाने के लिए। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली इज यूज्ड। तो अपना जो नेचर होता है टूथपेस्ट का वो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, ठीक है भाई। आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यार, एक तरह से हम बात करें तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट correct about a aqueous solution of an acid of a base. Which of the following statement is correct about an aqueous solution? ठीक है भाई, एक aqueous solution of an acid and of a base. एक aqueous solution जो कि acid और base का है, उसके लिए नीचे statements दी गई है, उनमें से कौन सी true है, कौन सी false है। हायर द पीएच, पीएच को हाई करो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, पीएच को हाई करो वीक एसिड बनेगा, पीएच को लो करो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, पीएच को लो करो वीकर बेस बनेगा। तो भाई सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगर पीएच को हाई करोगे तो एसिडिक कम हो जाएगा, यानी कि पीएच की पीएच वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक कम होगा, और पीएच वैल्यू कम है तो बेसिक कम होगा, सिंपल सी बात है ना यार। मतलब आपको पीएच स्केल के लिए, पीएच स्केल के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। तो गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है डाइजेशन के टाइम, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7। लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक होता है बेसिक। मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बता दो भाई, और कमेंट में लिखना इफ पीएच इज लेस देन 7 देन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, आपको ये लिखना है, ठीक है भाई। मैं अपने आप समझाऊंगा कौन कौन तैयारी कर रहा है, ठीक है। और जो मेरे को लगा कि सच में तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मैं हो सकता है कॉन्टेक्ट भी करूँ, और उनकी और ज्यादा मैं कोशिश करूँ कि हेल्प करने की, ठीक है भाई। Equal volumes of HCl and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed. Same concentrated है, ठीक है, same level के concentrated है sodium hydroxide solution और HCl acid, ठीक है भाई। उनको mix किया जाता है and the pH of resulting solution is checked with a pH paper. pH paper के साथ उनकी pH value को check किया जाता है। What would be the color obtained? Color क्या होगा? Red, येलो, येलोइश ग्रीन और ब्लू, येलोइश ग्रीन विल बी द कलर, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 mm इज, ठीक है भाई। तो पीएच रहेगी सॉल्यूशन की 0, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रिपरेशन के दौरान ऑन ए ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे, ठीक है भाई, ह्यूमिड डे है एक, ठीक है, और उस दिन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, एक गार्ड ट्यूब से गैस को पास किया जाता है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू, तो कैल्शियम क्लोराइड क्यों भरा हुआ है हमने, क्या रोल रहेगा उसका, तो वो क्या मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा। ह्यूमिड डे को बहुत ज्यादा मॉइस्चर होती है, ह्यूमिड डे तो आपको पता होगा, यानी कि वो दिन जो होते हैं ना बहुत फैन भी चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा होता है, पंखे की भी हवा नहीं लग रही जिस दिन होते हैं, समझ रहे हो आप, तो इतनी गर्मी होती है, ठीक है। तो
उस तरह के दिन को हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या है टेस्ट ट्यूब के अंदर रखने वाले हैं कैल्शियम क्लोराइड को। कैल्शियम क्लोराइड हेल्प करता है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने में, गैस की मॉइस्चर को। ठीक है, गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेकिंग सोडा जो है ना भाई, उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाकी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, वॉशिंग सोडा के अंदर भी होता है, जिप्सम भी होता है, ब्लू विट्रोल के अंदर भी होता है, लेकिन बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखना, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सोल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेसिक सोल्ट है। क्यों है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल सी बात है भाई, जो बेस बेसिक होगा उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस वाले दो ही ऑप्शन है, या तो फर्स्ट है या फिर लास्ट है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गया, लास्ट ऑप्शन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल है यार, मतलब ये तो हर कोई कर देगा यार, जो बहुत कम पढ़ा है वो भी कर देगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। और कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज कैल्शियम फोस्फेट प्रेजेंट होती है टूथ इनेमल के अंदर, उसका नेचर होता है बेसिक। और ऊपर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी करके आए हैं, उसका आंसर भी बेसिक था, आपको याद होगा। ठीक है, कॉमन सोल्ट बिसाइड बींग यूज इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रॉ मिनरल ऑफ मेकिंग। कॉमन सोल्ट जो हम किचन के अंदर यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो सकता है। किस चीज को बनाने के लिए? वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, स्लेक लाइम बनाने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट। यानी कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी यूज हो सकता है और बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, जो कॉमन सोल्ट हम यूज करते हैं किचन के अंदर। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द अदर दूसरा क्या है? तो टार्ट्रिक एसिड। ठीक है भाई, सेकंड टार्ट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस का आपको पता होगा, और आइडेंटिफाई करना आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और क्लोर अल्कली प्रोसेस के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक है भाई, और इस वीडियो के अंदर मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में गलत कर दूं, लेकिन वीडियोज आपके लिए एचडी रहेगी, आप क्वेश्चंस को भी पढ़ते जाइए और सुनते भी जाइए। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन मैं कवर करवा सकूँ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं? तो एक तो सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो सारी नहीं देखी है उनको नहीं आते होंगे मुझे पता है, लेकिन वीडियोस मैं कहूंगा सारी देखो। अगर आपने अभी सीरीज देखनी शुरू की है तो भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ यार, छह एक वीडियो अपलोड हुई होगी, उससे पहले एक घंटा आपको लगेगा, सारी वीडियोस आप देख लो। और कोशिश करो यार, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उनको लिख भी लो, नोट्स भी बना लो। ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। आपको हर एक पाउडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे वो बेकिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग पाउडर हो, वॉशिंग सोडा हो, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हर चीज बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा सब याद कर लो, फॉर्मूला लिख लिख के देखो। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4½H2O। ठीक है भाई, CaSO4½H2O। तो काफी सारे क्वेश्चन यार इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं यार, थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। और तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।